हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आप में से कई लोग जो है वो चाहते होंगे कि एक अच्छी सैलरी का काम हो, लेकिन काम जो है वो ज़्यादा मेहनत का नहीं हो, ज़्यादा हैवी काम नहीं हो, लेकिन सैलरी उसमें काफ़ी अच्छी हो। दोस्तों, इसी तरीके का काम आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ। दोस्तों, ये काम जो है वो सऊदी अरेबिया के लिए है। सऊदी अरेबिया में हमें इंडोर लेबर्स की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, इसमें क्या सैलरी रहेगी, क्या ड्यूटी रहेगी, आपका काम क्या रहेगा, ये सिर्फ सारी डिटेल्स आगे वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मिस ना हो जाए। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप लोगों से भी फॉलो कर लीजिए। और दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली जो भी जॉब से रिलेटेड अपडेट्स हो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो कंपनी है वो सऊदी अरेबिया की है। सऊदी अरेबिया में आपका काम रहेगा इंडोर लेबर का काम रहेगा। दोस्तों, ये जो कंपनी है वो ग्रुप ऑफ कंपनीज है जो अलग अलग यूनिट में काम करती है, जैसे कि इनके रेस्टोरेंट्स भी है, कॉफी शॉप है, बिस्किट की कंपनी है, वेयर हाउस है। जो आपका काम रहने वाला ये चारों यूनिट में से किसी भी यूनिट में इंडोर लेबर का काम रहेगा। आपका काम आपको ये करना रहेगा, जैसे कि इसमें लेबल लगाने का काम रहेगा, पैकिंग का काम रहेगा, रैपिंग करना रहेगा, लोडिंग अनलोडिंग, क्लीनिंग, ये सारा कुछ काम रहेगा। जैसे दोस्तों, मैंने आपको चार यूनिट्स के नाम बताए, जैसे रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप, बिस्किट की कंपनी है और वेयर हाउस है। दोस्तों, ये कंपनी का काम है, या आप लोग जाओगे तो आपको कंपनी जिसमें आप सूटेबल लगते हो, जैसे कि आप सूटेबल लगते हो रेस्टोरेंट के लिए, जैसे आप सूटेबल लगते हो कॉफ़ी शॉप के लिए, बिस्किट कंपनी के लिए या वेयर हाउस के लिए, तो आपको कंपनी जो है वो यूनिट के अंदर आपको इंडोर लेबर का काम देगी। ये चारों जो यूनिट मैंने आपको बताया है, ये जो काम इसमें रहने वाले वो ज़्यादा हैवी काम नहीं रहेंगे, बहुत अच्छा काम है, इंडोर में काम रहेगा। आपने रेस्टोरेंट में भी देखा होगा कि रेस्टोरेंट के अंदर भी ज़्यादा हैवी काम नहीं होता है और वेयर हाउस वगैरह में भी ज़्यादा हैवी काम नहीं रहेगा। आपको जो काम है वो काफ़ी अच्छा काम है। इसमें जो हमें कैंडिडेट्स चाहिए, इसमें जो कैंडिडेट्स हमें चाहिए वो बेसिक इंग्लिश पढ़ना लिखना उनको आना चाहिए, अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए आना चाहिए, अपना माई सेल्फ वगैरह अच्छे से बता सके, इस तरीके के हमें कैंडिडेट्स चाहिए। और दोस्तों, इसमें जो एज की रिक्वायरमेंट है, दोस्तों एज के लिए मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है लोगों के अंदर कि इसमें एज हम किस एज में अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी कंट्री के लिए किस एज में अप्लाई करना चाहिए, ये ज़्यादातर बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम पे ये होता है, हमारे साथ में हो चुका है कि काफ़ी जो हमारे देखने वाले हैं वो काफ़ी इंडिया के दूर दूर के स्टेट से देखते हैं, हमारा ऑफिस जो है मुंबई में है, तो वो हमारे ऑफिस पर आ जाते हैं, लेकिन उनकी एज जो है वो एज लिमिट वो कंट्री के लिए नहीं होती है, वो अप्लाई नहीं कर पाते, लेकिन उनका आना वेस्ट हो जाता है, उनका पैसा वेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों, हर कंट्री का एक लेबर लॉ के हिसाब से एज लिमिट दिया गया है, हर कंट्री का अपना अपना एज लिमिट है कि वो आप मिनिमम एज उतना होना चाहिए तभी आप वो कंट्री में अप्लाई कर सकते हो काम के लिए। तो दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, काफ़ी लोग जो है वो मेडिकल कर लेते हैं, मेडिकल हो जाता है, लेकिन गम का मेडिकल उन लोग 18 साल 20 साल की उम्र में भी कर लेते हैं, लेकिन वो सऊदी अरेबिया में अप्लाई नहीं कर पाते। आपको गम का जो मेडिकल होता है जहाँ पे, वहाँ पे आपको ये बताया नहीं जाएगा कि आप किस एज में कौन सी कंट्री के लिए कब अप्लाई करिए, कब मेडिकल करिए। आपको जो है वो मेडिकल करा लेंगे वो लोग, मेडिकल उनका काम है मेडिकल करने का, वो लोग आपका मेडिकल कर लेंगे। काफ़ी एजेंट्स जो रहते हैं वो, उनको भी पता नहीं होता है, पता नहीं क्या रहता है, वो बताते नहीं अपने बंदों को, वो अपना बंदों का मेडिकल कर लेते हैं लेकिन वो अप्लाई करने के लिए हमारे पास भेजते हैं, तो हम बताते हैं कि इस एज में इनका एज जो है वो अंडर एज है, ये अप्लाई नहीं कर सकते ये कंट्री के लिए। तो दोस्तों, आप लोग खास ये ध्यान रखिए, मैं नहीं चाहता कि हमारे भाइयों का किसी भी चीज़ में नुकसान हो, किसी भी पैसे का नुकसान हो, आप गम का मेडिकल कर लोगे आपका जो मेडिकल का जो पैसा है वो वेस्ट हो जाएगा, आपका ट्रैवलिंग वेस्ट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखें, मैं एज की लिमिट आपको बताता हूँ। सऊदी अरेबिया में अगर आपको अप्लाई करना है तो मिनिमम आपकी जो एज है वो 21 कंप्लीट होना चाहिए, 22 रनिंग होनी चाहिए, एज जो है वो आपकी मिनिमम समझे 22 होनी चाहिए। और ये जो कंपनी के लिए आपको मैं बता रहा हूँ इंडोर लेबर का काम, इसके अंदर जो एज लिमिट है मैक्सिमम जो है वो 30 होनी चाहिए, 30 साल से ज़्यादा की आपकी एज नहीं होनी चाहिए, मिनिमम 22, मैक्सिमम जो है वो 30। अगर 30 से ज़्यादा की आपकी एज है तो आप इस कंपनी में अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप दूसरे किसी भी काम में अप्लाई कर सकते हो, हमारे पास और भी कई सारे काम अवेलेबल रहते हैं। अगर आपकी एज जो है वो 30 से ज़्यादा है तो आप दूसरे काम के लिए हमें कॉन्टेक्ट करके, हमारे ऑफिस विजिट करके सारी डिटेल्स ले सकते हो। तो दोस्तों, इसमें जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट पर ही बताया था कि इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी है, तो दोस्तों सैलरी जो इसके अंदर है वो 1200 बेसिक सैलरी है, 200 रियाल खाने का है, टोटल 1400 सऊदी रियाल सैलरी है, प्लस एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस का काम है, ये सारा कुछ कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। दोस्तों, इस पे जो ड्यूटी है वो 10 घंटे की ड्यूटी है, वीकली एक ऑफ है, ड्यूटी भी काफ़ी अच्छी है, 10 ही घंटे की ड्यूटी है, 10 घंटे के ऊपर आप जो भी काम करोगे वीकली ऑफ के टाइम जो भी काम करोगे उसका ओवर टाइम कंपनी आपको अलग से प्रोवाइड करेगी। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा इस पर कमाने के चांसेस है, क्योंकि सैलरी इसमें 1400 है, प्लस 10 घंटे के ऊपर आप काम करते हो उसका ओवर टाइम
अपनी कंपनी आपको देगी। इस पर पासपोर्ट जो है वो ECR ECNR दोनों भी चलेगा। अगर आपका पासपोर्ट ECR है तो भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इसमें अप्लाई करने के लिए तुरंत हमारा ऑफिस विजिट करना पड़ेगा आपको। हमारा ऑफिस जो है मुंबई में है, द प्रोवाइडर कंसल्टेंसी के नाम से। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा एड्रेस मिल जाएगा, जाके आप लोग वहां से चेक कर लीजिए। तो दोस्तों कोशिश करिए जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई करने की। आपको वीडियो की हमारे स्क्रीन पर आपको हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहा होगा। वीडियो के एंड में और भी दो नंबर मिल जाएंगे। तीनों नंबर पे व्हाट्सअप भी है, आप तीनों नंबर में से किसी भी नंबर पे कॉन्टैक्ट करके और भी कोई डिटेल्स चाहिए तो वहां से आप ले सकते हो। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करके सारी डिटेल्स लीजिए और जल्दी से जल्दी हमारे इस काम में अप्लाई करने के लिए हमारा ऑफिस विजिट करिए। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपकी ये जो वीडियो मैंने बनाया है, ये काम जो मैंने डाला है, या अगर आपके काम का नहीं है तो आपके फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ ये काम शेयर करिए। अगर जिनको ज़रूरत है, जैसे आपके फ्रेंड्स में किसी को ज़रूरत है, आपके रिलेटिव्स में किसी को जरूरत है काम की, तो उनके साथ हमारा ये वीडियो आप लोग शेयर करिए।